बिजनौर के जिला महिला अस्पताल में 24 घंटे में जन्म के कुछ ही देर बाद 5 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। बच्चों के परिजनों ने इसे जिला अस्पताल के भ्रष्टाचारी और लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर डीएम ने मौत की जांच एडीएम और सीएमओ को सौंप दी है। दरअसल जिला महिला अस्पताल में बीते 24 घंटे में एक साथ 5 बच्चों की मौत से जहां हड़कंप मच गया, वहीं परिजनों में मातम के साथ गुस्सा भी है। उनका सीधा आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से ही एक ही रात में 5 बच्चों की मौत हुई है और ये सब उनकी मंशा अनुरूप पैसे न देने के कारण हुआ है। जबकि अन्य परिजनों से भी अस्पताल के स्टाफ ने सुविधा शुल्क भी लिया, उसके बाद भी इलाज में लापरवाही बरती। क्या नाम है? मेरा नाम शाहजहां। क्या मामला है? मामला ये जो हमारे बच्चे की ड्राइवरी हो रही थी तो उन्होंने देखा नहीं। अच्छा। वार्न नहीं करी और फिर उस बाद में जब देखा तो हम परेशान हो गए। जी जी। परेशान से बाद में हमने कहा कि मतलब तुम देख लो, तो कह दिया कि कुछ में लगा तो करें। अच्छा, फिर आपने क्या करा? फिर हमने ना थोड़े से पैसे दिए। कितने पैसे दिए? शुरू में हमने 400 रुपए दिए। किसको दिए? मैडम को। मैडम ने पैसे डायरेक्ट लिए आपसे? डायरेक्ट पैसे लिए। फिर ब्रोकर लगा। अब आप क्या चाहते हो? बस चाहते क्या है, हमारा बच्चा हमारे पास इनसे। मृतक बच्चे के पिता साजिद और तीमारदार शाहजहां का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने उनसे पैसे भी लिए और उनके साथ अभद्रता भी की और इन्हीं की लापरवाही से हमारे बच्चों की मौत हुई है। इसमें नाजमा को शनिवार और अंशुल, शबीना और किरण को पिछले 2 दिनों के भीतर जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था और इन सभी के 5 बच्चों की मौत पिछले 24 घंटे के अंदर होने से अस्पताल पर लापरवाही का सवाल उठ रहा है। इस लापरवाही की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बच्चों की मौत की जांच डीएम ने अपर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंप दी है और 15 दिन में जांच सौंपने के निर्देश भी दिए। कल शाम से रात तक का मामला है और 4 जो है बच्चों के मदर जो है यहाँ एडमिट हुए थे, तो उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी डेड थे। एक तो बेबी रूबीना है, तो इसको जब भर्ती किया गया था तो उसकी दिल की धड़कन नहीं थी और जबकि इसका सामान्य प्रसव हुआ। दूसरा जो बेबी किरण है, इसकी भी दिल की धड़कन नहीं थी और इसका भी प्रसव रात को सामान्य रहा। तो इस तरह से जो 2 बच्चे हैं तो ये ऑलरेडी डेड ही थे। तीसरा जो है बेबी अंशुल है, तो अंशुल के विषय में ये बताया गया कि ये बच्चा जो है जब डिलीवरी हुई, ऑपरेशन के बाद हुई थी, तो ये रोया नहीं था। उसमें दाई ने जो है ठीक से हैंडल नहीं किया था, इसलिए मुझे लगता है ये प्रेस हो गई होगी बच्ची और कुछ प्रॉब्लम हुई और इसकी जो डेथ हुई फिर अस्पताल में नहीं हुई थी, बाद में ऑपरेशन के बाद जो है प्राइवेट अस्पताल में ले गए और प्राइवेट में डेथ हुई। और चौथी जो बच्ची है बेबी नजमा है, तो इसकी मदर का हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 4.9 था, तो ये बच्चा सामान्य पैदा हुआ था और इसकी डेथ जो है 12 घंटे बाद हुई। तो इसका मतलब ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पेरेंट्स ने या घर वालों ने जो इसका मुंह ढक दिया हो, ऑक्सीजन की कमी हुई हो, क्योंकि गाड़ी का ऑक्सीजन चल रहा है। तो इस तरह से जो 4 डेथ हुई है तो उसमें ऐसा कुछ असामान्य नहीं है। जो 2 डेथ हुई है वो पहले से ही डेड थे, डिलीवरी के समय ही डेड थे, और इसमें से एक तो लोग क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था और एक की जो डेथ हुई है वो 12 घंटे बाद हुई है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं डीएम बिजनौर जगतराज ने बताया कि अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हुई है, इसमें कोई असामान्य बात नहीं लगी क्योंकि 2 बच्चों की मौत पहले ही पेट में ही हो चुकी थी। एक की दूसरे अस्पताल में हुई है और एक बेबी की मां में हीमोग्लोबिन कम था, उसकी इस वजह से मौत हुई है। लेकिन इसके बाद भी पूरे मामले की जाँच एडीएम और सीएमओ को सौंप दी गई है जो कि 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। स्पेसिफिक जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी हम जाँच करा लेंगे और जो ये कह रहे हैं कि बिना पैसे काम नहीं होता है तो वो हमें या तो लिख के दे दें या मौखिक रूप से दे दें, हम उसकी जांच करें। डीएम साहब, इस प्रकरण की जो आप बच्चे मरे हैं इसकी कोई जांच वगैरह करा रहे हैं? देखिए, जो मैंने फिलहाल बताया है तो ऐसा कोई मतलब प्रकरण नहीं लग रहा है कि कोई असामान्य हो, बट इसके बावजूद भी मैं एडीएम ही मेरे साथ बैठे हुए हैं, एडीएम ही रहेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहेंगे, इनसे पूरे तथ्यों की जांच करवा लूंगा और ये लोग जो संयुक्त रूप से जो है जांच करके 15 दिन के अंदर हमें आख्या देंगे। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस आभा वर्मा ने बताया कि अस्पताल में 2 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चे की मौत डिलीवरी से पहले पेट में ही हो गई थी, जबकि दूसरी महिला में हीमोग्लोबिन की कमी थी, उनको खून भी चढ़ाया गया परंतु वो सीरियस थी, इसलिए इसके चलते उनके परिजनों को उसे मेरठ ले जाने को कहा गया था लेकिन वह लेकर नहीं गए और वह इस अस्पताल की लापरवाही बता रहे हैं, जबकि सारा स्टाफ उनकी सेवा में लगा रहता है। लापरवाही का आरोप गलत है। जो हमारे बच्चों की मौत हुई है उसमें पेशेंट ही बहुत सीरियस थे,
एक बच्चे एक पेशेंट थी उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड हमने पहले कराया था, तो बच्चे अल्ट्रासाउंड में बच्चा आईयूडी आया था, मतलब बच्चे की मौत हो चुकी थी पेट में। उसकी डिलीवरी जो हमने नॉर्मल कराई है तो ऑलरेडी वो डेड था बेबी। दूसरा पेशेंट था जिसके 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था, पेशेंट बहुत एनीमिक थी, उसको हमने ब्लड वगैरह भी चढ़ाया, उसे मरीज भी सीरियस थी और बच्चा भी सीरियस था, ये बात हमने उसको पहले बता दी है। लापरवाही का जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। मैडम कोई कहते हैं कि हमने स्टाफ से शिकायत की तो स्टाफ ने हमारे साथ अभद्रता की है, ऐसा नहीं है। अब जो दुखी होता है उसके मन में हर चीज के लिए दुख है उनका, उससे तो हमें भी सिंपैथी है उनपे, पर हम हर चीज उनको एक्सप्लेन कर चुके थे। कुछ परिजनों का आरोप है कि देखने के लिए कहा तो स्टाफ देखने भी नहीं आया, ऐसा नहीं है। हमारा स्टाफ तो अपनी हर तरह से कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा करे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।